बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री फैसलाबाद। कोर्स टाइटल एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। कोर्स कोड MTH 321। लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करवाया और आप सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस असाइन किए गए थे। आज के क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आप सभी स्टूडेंट्स बुक से अंडरस्टैंड कर लेंगे ईजीली। MCQs के रिलेटेड ही हैं वो क्वेश्चन और इजिली परफॉर्म भी हो जाएंगे आप सभी से। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और इनसे ऑनवर्ड जितनी एप्लीकेशन होंगी उनको हम लोग इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस अंदाज में है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि 8 by 1 over 8 by 125 ब्रैकेट -4/3, यानी ये आपके पास एक फॉर्म है, इसको हमने फैक्टराइज करके सॉल्व करना होगा, यानी कि हमने इस 8 के फैक्टर बनाने हैं और 125 के फैक्टर बनाने हैं। और ये आपके पास जो पावर में आ रहा है दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट, यानी पावर को आप लोगों ने सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे कि ब्रेक हो जाए या जहां तक आपको ये इजीली ब्रेक होगी आपने वहां तक इसे सॉल्व करना होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो 8 है इस 8 को सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज करें, मतलब इसके जोड़े बनाए तो आपको 2-3 टाइम मिलेगा, मतलब 2 × 2 × 2, तो मैंने इस लिख दिया 2 की पावर 3। ऐसे ही 125 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको 5-3 टाइम मिलेगा, मतलब के 5 × 5 × 5 और होल रेज टू पावर ब्रैकेट में आप इसकी पावर में लिख देंगे -4/3। उसके बाद मजीद आपने क्या करना है, इस पावर को ब्रैकेट की दोनों पावरों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1। तो आप देख सकते हैं इस 2 की पावर में लिख दिया 3 × -4/3 और ऐसे ही नीचे लिख दिया 5 की पावर 3 × −4/3। ये कटिंग हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा 2 raised to power -4 एंड 5 raised to power -4। अब मैंने ये एरो से आप सभी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाया है कि जो चीज नीचे वाली वैल्यू को अगर हम उठाकर बटे के ऊपर ले जाए या ऊपर वाली वैल्यू को उठाकर नीचे ले आए तो इससे क्या इफेक्ट होता है कि आपकी जो पावर है ना, वैल्यू की जो पावर होगी, यानी किसी नंबर की पावर जो होगी उसकी अलामत जो है चेंज हो जाती है, यानी कि अलामत को तब्दील कर देना है सिंपली। तो आप देख सकते हैं 5 की पावर -4 जो है बट्टे से ऊपर जाकर 5 की पावर 4 बन गया है और 2 की पावर -4 जो है नीचे जाकर 2 की पावर +4 बन गया है, ओके। उसके बाद 5 की पावर 4 को आप लोगों ने ओपन करना है, यानी कि 5 की पावर को ओपन करेंगे तो 5 4 टाइम आएगा, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, तो ये बन जाएगा 625। ऐसे 2 की पावर 4 को आप लोग एक्सपेंड करोगे तो 2 हमारे पास 4 टाइम आएगा, इट्स मीन 2 × 2 × 2 × 2, सो 16 इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया 625/16, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हमारे पास है 4 × x raised to power 3 y raised to power -3 एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी और -3 × x raised to power -2 एंड y। अब हमने क्या करना है, इस 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -12। उसके बाद x की पावर 3 को x की पावर -2 के साथ कंबाइन करना है तो ये बन जाएगा x की पावर 3 − 2,
यानी पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर y की पावर माइनस थ्री को इस y की पावर यहाँ पे प्लस वन पावर है इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा y की पावर माइनस थ्री प्लस वन। आगे से सोल्व करना है तो x की पावर थ्री माइनस टू सोल्व किया तो x की पावर वन बन गया, ठीक है, और y की पावर माइनस थ्री में से प्लस वन निकालेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। तो आपने अब क्या करना है कि x y की पावर माइनस टू को पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे ले आना है। तो आप देख सकते हैं y की पावर टू बटे के नीचे आ गया है, बाकी ये रिक्वायर्ड आंसर ऐसे ही आ जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है 16 एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 625 होल स्क्वायर रूट और इसकी क्यूबिक फॉर्म में है फोर्थ रूट, यानी यहाँ पर हमारे पास फोर्थ रूट आ रहा है यानी कि पावर 1/4 आ रहा है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको 2 जो है 4 टाइम मिलेगा यानी कि 2 की पावर 4। उसके बाद ये x की पावर 4 y की पावर 8 हमने एज इट इज लिख दिया, नो चेंज। 625 को भी हम लोग अगर इसे फैक्टराइज करें तो 5 हमें 4 टाइम मिलेगा तो ये मैंने लिख दिया 5 की पावर 4, और होल रेज टू पावर जो है वो मैंने लिख दिया 1/4। ये 1/4 इसलिए लिखा है कि जो जजर है ना स्क्वेयर रूट उसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ लिखा आ जाए ना इन स्क्वेयर रूट के बाहर तो वो आपने लिख दिया करना है 1/ जो स्क्वेयर रूट के बाहर होगा ये 1/4। अगर यहाँ पर बाहर होता ना 7 तो हमें लिखना था 1/7। उसके बाद नेक्स्ट हमने अब जो पावर 1/4 है इसको ब्रैकेट की सभी टर्मों के साथ ना पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें कि नेक्स्ट में मैंने 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, y की पावर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर में भी मल्टीप्लाई कर दिया है। किसको किया मल्टीप्लाई? इस 1/4 को सभी टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और उसके बाद ये देखें कटिंग हो रही है, हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद रिक्वायर्ड आंसर आपके पास फाइनली ये आ जाएगा। आई थिंक ये किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, आप सभी स्टूडेंट्स इजीली यहां तक परफॉर्म कर लेंगे, हेंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 3 ब्रैकेट क्लोज करोगे 5 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 4 एंड वाई रेज टू पावर माइनस 3। सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14 भी किया है। तो यहां पर ये 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इस एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर माइनस 4 के साथ कंबाइन करना है तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4। ऐसे ही इस वाई की पावर 3 को वाई की पावर माइनस 3 के साथ क्लोज करेंगे तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा वाई की पावर 3 माइनस 3, और ये इक्वल है 5 इंटू एक्स की पावर 4 में से 4 माइनस किए तो 4 से 4 कट जाएगा और ये बन जाएगा एक्स की पावर 0। ऐसे ही वाई की पावर 3 से 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा वाई की पावर 0। अभी ये बेसिक स्टेप है, आप सभी स्टूडेंट को वैसे ही 9th क्लास में या छोटी क्लासेस जैसे 6th 7th 8th क्लासेस में बताया जाता है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। आई थिंक ये बात आप सभी स्टूडेंट को माइंड में आ गई होगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, ये एक वैसी एक रिमार्क भी है, ये आपको माइंड में भी बात रहनी चाहिए कभी भी जिंदगी में कहीं अप्लाई हो ये बात कि किसी वैल्यू की पावर 0 आ जाती है तो आपने उसको हमेशा क्या कंसीडर करना है, 1। यानी एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। तो ये देखिए मैंने 1 लिख दिया, y की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। आपने डायरेक्टली ये बात कंसीडर कर लेनी है कि वो 1 के इक्वल है। इन पावर देखा आपने 0 आ रही है तो आंखें बंद करके फौरन आपने कह देना कि ये 1 के इक्वल है। अब हमने क्या कर देना है 5 इंटू 1 तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग आरडीए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट है यानी 4 रेज टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -1/2 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 1/6 होल फ्रैक्शन बटा 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 9 रेज
रेज टू पावर 1/2। अब हमने ना फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पावरों को जनरेट करके ना हमने जिन नंबर्स के फैक्टराइजेशन हो रही है हम वहां पर फैक्टराइजेशन करेंगे। आप फैक्टराइजेशन के लिए देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स प्राइम के अलावा हैं, आप लोग उन पे फैक्टराइज कर देंगे। आप देखें यहाँ पर जो थ्री है ये वाला, ये थ्री प्राइम है, एग्जैक्टली ये थ्री प्राइम है, ये भी थ्री प्राइम है, ये टू ये भी प्राइम है, लेकिन ये जो फोर है ना ये वाला, ये फोर प्राइम नहीं है, ये एट भी प्राइम नहीं है, ये नाइन भी प्राइम नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे, नो इश्यू। फैक्टर बनाना कौन सा मुश्किल बात है, इट्स वेरी इजी। फोर को हम लोग लिख सकते हैं टू को टू टाइम, मतलब टू की पावर टू, ये देख सकते हैं टू की पावर टू, टू की पावर टू का मतलब है टू मल्टीप्लाई टू, टू टू इज द फोर। ऐसे ही ये जो एट है इस एट को भी हम लोग लिख सकते हैं टू की पावर थ्री, मतलब टू को थ्री बार मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। ऐसे ही इस नाइन को भी हम लोग पावर में लिख सकते हैं थ्री की पावर टू, मतलब थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अब हमने जो पावरें होंगी आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कटिंग की हुई है, तो ये टू से ये फोर कैंसिल किया टू बच गया, यहाँ से थ्री से मैंने सिक्स को कैंसिल किया टू बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से टू से टू ब्रेक किया वन, तो पावर वन इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये कटिंग करना आप सभी स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कटिंग कर जाओगे। आफ्टर दैट कटिंग करने के बाद यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही थी, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। जहाँ कटिंग हो रही है वहां पर आपने करने के बाद आपका स्टेप ये रह जाएगा, ये इस तरीके से आपका स्टेप आ जाना है, ठीक है। इसके बाद मजीद आपकी ये कटिंग होगी कि ये टू की पावर वन बाई टू बटे के नीचे भी आ रहा है, तो मैंने इसको ब्रेक कर देना है, तो आप भी ऐसी कटिंग कर दोगे। बाकी रिमेनिंग पार्ट देखेंगे कि आपके पास ये टू की पावर वन बाई टू जो है ये जस्ट एक बार है, तो हमने ऐसे ले देना है। उसके बाद जो थ्री की पावर आ रही है ऊपर भी है और नीचे भी पड़ी हुई है, आप सभी थ्री को क्लोज करो, मतलब के थ्री की पावर ये वाला वन बाई टू, ठीक है, फिर प्लस ये आपने माइनस वन बाई टू जब बटे के नीचे लेके आना है तो ये प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ये आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कोई वैल्यू बटे के नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो अलामत चेंज कर देनी है। और देखें इसकी पावर क्या आ रही है, प्लस वन, तो हमने ये प्लस वन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये टू की पावर वन बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं टू स्क्वायर रूट, ऑलवेज ही हमें बात पता है कि टू की पावर यानी कि वन बाई टू अगर पावर में आए तो आप लोग जानते हो वो जजर के इक्वल है जो कि स्क्वायर रूट होता है, तो ये टू स्क्वायर रूट हो गया। अब उसके बाद ये थ्री की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू, अगर हम लोग इसका एलसीएम सोल्व करें तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू यानी कि हाफ प्लस हाफ, तो ये आपके पास इसका आंसर वन आएगा, और वन को प्लस वन में ऐड किया टू आएगा, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्टली आंसर टू। और थ्री की पावर टू आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, नाइन, यानी थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है 8x डिवाइड बाय 81 y की पावर 3 होल स्क्वायर रूट एंड x y रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। अब हमने इस क्वेश्चन में दो स्क्वायर रूट यानी कि टू स्क्वायर रूट आपके पास यहां पर जनरेट हो रहे हैं, इन दोनों स्क्वायर रूट को आप लोगों ने एक स्क्वायर रूट यानी कि ऐसे एक स्क्वायर रूट में लिख देना है, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगी, ये मैंने लिख दी हुई है। उसके बाद आप लोगों ने यहां पर देखना है कि कुछ कटिंग हो रही होगी, ये टू से एट को कैंसिल किया तो आपके पास ये फोर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो x है और ये वाला x है इन दोनों की पावरें ऐड करें तो पावर आ जाएगी वन प्लस वन, और y की पावर फाइव और ये बटे के नीचे y की पावर थ्री है, y की पावर थ्री जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर फाइव माइनस थ्री, और बटे के नीचे 81 जो है वो आपका वैसे ही आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो फोर है इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो टू की पावर टू आता है, 81 जो है इसको हम लिखते हैं 9 की पावर 2, और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक से, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ लग गई होगी आप सभी स्टूडेंट को। अब आप देखें कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर देखें सभी की पावर 2 आ रही है,
तो ये सभी की पावर जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आपका आंसर जो है स्केयर रूट से आजाद हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगी स्केयर रूट, तो ये आपका आंसर बन गया 2xy/9, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर हमारे पास पी क्यू आर के ऊपर स्केयर रूट है और बटे के नीचे पी स्केयर क्यू आर रेज टू पावर 3 है। अब इसमें बटे के ऊपर जो है पी क्यू आर होल रेज टू पावर 1/2 हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और बटे के नीचे हमारे पास आएगा पी स्केयर क्यू आर रेज टू पावर 3। आफ्टर डैट हमने पी क्यू आर की जो पावर 1/2 है इसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी पी की पावर में भी लिख दिया, क्यू की पावर में भी लिख देंगे, आर की पावर में भी लिख देंगे, ठीक है। 1/2 जो है पी क्यू आर की पावर में लिख दिया, और बटे के नीचे हमारे पास ये तो एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने पी को कंबाइन कर लेना है, पी को कंबाइन करेंगे तो 1/2, और जो नीचे वाला 2 है जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ऐसे क्यू की पावर 1/2 लिख लिया हमने, और यहाँ पर क्यू की पावर +1 है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ऐसे ही आर को हमने कंबाइन करना है तो आर की पावर 1/2, और जब ये 3 ऊपर जाएगा पावर वाला तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे सोल्व करना है, तो 1/2 -2 का आप लोग एलसीएम लें तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 -1 का एलसीएम ले लें और ये आ जाएगा -1/2। 1/2 -3 का एलसीएम सोल्व कर लें आप सभी स्टूडेंट तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इन पावरों को पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे ले जाना है, तो ये बन जाएगा 1/p^3/2, q^1/2, r^5/2, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट हमारे पास है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पी क्यू की पावर जो 3/2 है सेपरेट करेंगे, यानी पी पी की पावर लहदा कर दी, क्यू की पावर भी लहदा कर दी, ऐसे ही बाकियों को भी हम लोग सभी को सेपरेट करने लगे हैं। ये सभी जो पावरें आ रही हैं इनको हम लोग 1/1 सेपरेट कर देंगे, तो आपके पास ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का स्टेप जनरेट हो जाएगा। ये सभी की पावरें आप लोग सेपरेट करें तो ये स्टेप आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये पावर स्पेंड ना करनी आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हम कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद देखें, यहाँ पर कटिंग हो रही है, यहाँ पर क्यू की पावर 1/2, क्यू की पावर 1/2 से कट जाएगा, आर की पावर 1/2, इस आर की पावर 1/2 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कंबाइन कर लेना है इन पावर्स को, तो अब देखेंगे यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर पी के पावर 3/2 है, यहाँ पर पी के पावर 3/2, और यहाँ पर पी के पावर 1/2 है। अब देखें इनको हम लोग पावर में ले आएंगे, तो पी के पावर 3/2 +3/2, और ये जो 1/2 प्लस था इसको जब हम बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू की पावर 3/2 जो है ना, ये एक बार आ रहा है इसलिए हमने एज इट इज लिख देना है। आर की पावर 3/2 है, ये भी वन टाइम आ रहा है, इसको भी एज इट इज लिख देना है। लेकिन जो एस है इसकी पावर देखिए, एस की पावर 1/2, ये एस की पावर 1/2, ये भी 1/2, ये हमने पावर लिख देनी है, और ये बटे के नीचे ही है इसलिए अलामत चेंज नहीं होगी, एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने 1/2 +1/2 +1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये जो पी की पावर में आ रहे हैं 3/2 +3/2 -1/2, इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास पावर में पी की पावर 5/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड शेप बन जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जो बुक में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो इस अंदाज में लिखी हुई है जो मैंने ये मेंशन की है, लेकिन इसके अलावा जो आंसर बुक का है ना, जो आपको पीछे बुक के आंसर दिया हुआ है वो मैच करने के लिए मैंने इसके लिए करेक्शन भी करवाई हुई है, वो मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 21 को दो तरीके से। जो आपके पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, असल में मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला हुआ है वो बुक के पीछे मैच नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन जो मैच करता है उसके लिए मैंने क्वेश्चन इसके बाद लिखा हुआ है, उसका भी मैं सोल्यूशन
यहाँ पर सोल्व किया हुआ है तो वो बुक के आंसर से मैच कर जाएगा। तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को अंदाजा हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाने लगा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये स्टेटमेंट आपको बुक पे दी गई है, ठीक है। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन इस अंदाज में दिया जाए तो आपने फिर इसको ही सोल्व करना है, बजाय आप लोग इसकी करेक्शन करें, आप लोग फिर उसको खुद से ठीक करके हल करना शुरू कर दें तो वो गलत हो जाएगा। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपने उसको ही सोल्व करना है, आपने उसकी किसी किस्म की कोई करेक्शन नहीं करनी। जैसा क्वेश्चन आया है आपने उसको वैसे ही फुलफिल करके उसको सोल्व करने शुरू कर देना है। ये नहीं कि आप लोग उसको ठीक करो फिर हल करो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी मैं आपको करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन है 27x 243x की पार 20 है, y की पार 30 है, और इसका यानी कि हमारे पास फिफ्थ रूट है हमारे पास, और ये फिफ्थ रूट हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और बटे के नीचे है 3y 9x की पार 4y² एंड स्केयर रूट। फिर क्या करोगे, 27x आपका एज इट इज आएगा, 243 को आप लोगों ने लिख लेना है 3 की पावर 5, और ये x की पावर 20 y की पावर 30 आपका एज इट इज आ जाएगा, और जो फिफ्थ रूट है हम लोग इसे पावर में लिख देंगे 1/5, और बटे के नीचे लिखेंगे 3y, और 9 को लिख लेंगे 3 का स्केयर, x की पावर 4 y की पावर 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, और होल रेज टू पावर आपके पास स्केयर रूट जो है ना, ये वाला, ये जो स्केयर रूट है इसकी वैल्यू हमने लगा देनी है 1/2। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, 27x ये आपका एज इट इज आ गया, ये जो पावर 1/5 है इसको आपने 1/1 सबके साथ पावर में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 की पावर जो 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। x की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5 तो आपका आंसर x की पावर 4 आ जाएगा। y की पावर 30 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो y की पावर 6 आ जाएगा। ऐसे ही आपने बटा लगाना है, फिर उसके बाद 3y आपका एज इट इज आ जाना है, और 3 की पावर जो 2 है इसको आप लोगों ने जब पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। x की पावर 4 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x की पावर 2 आ जाएगा। y की पावर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर y आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और x को x की पावर 4 में ऐड किया, x की पावर 5 आ जाएगा, फिर y की पावर 6 एज इट इज। इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और x स्क्वायर एज इट इज, एंड y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर। फिर हमने 9 को 81 से कैंसिल किया 9, x की पावर 5 को x की पावर 2 में से जब ब्रेक करेंगे यानी पावर ऊपर जाएगी तो 5 - 2 करेंगे तो x की पावर 5 - 2 3 बन जाना है, और y की पावर 6 y की पावर 2 y की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो 6 - 2 हो गया। एंड आफ्टर दैट इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है 9x³ y² 4, एंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये बुक पे आपको दिया गया है, इसका आंसर ये बनता है, ठीक है। बुक के पीछे ये आंसर नहीं है, तो ये जो आंसर हमने सोल्व कर लिया है इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो यही सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए। लेकिन जो पीछे आंसर आता है उसके मुताबिक ये मैंने करेक्शन करवाई है, आप सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स के अंदर सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 21 क्वेश्चन की ये जो स्टेटमेंट आपको बुक पे इतनी दी गई है, ठीक है, ये वाले, ये जो मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूँ, ये अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 अभी सोल्व करवाया वो असल में आपको इतना सोल्व करने के लिए दिया गया था, लेकिन इसके साथ करेक्शन ये मैंने आपको करवाई है, y की पावर 1/2 बटे के नीचे x की पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने जब फर्ज करें ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने अगर ये चीज़ आती है तो आपको सिर्फ इतना ही हल करना है जो ये सर्कल करके बता रहा हूँ, आपने ये जो करेक्शन है ना ये वाली ये नहीं करनी। अगर ये क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ भी आ जाए तो आपने हल करना है, ठीक है, फिर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है जो मैं आपको अभी ये करवाने लगा। अब इसमें ये जो रिजल्ट है ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, दे सकते हैं, मैं आपको इसके स्टेप्स दिखा भी देखता हूँ, यहाँ पर इसके जो स्टेप्स हैं आप इसका आंसर भी देखें तो देखें वही आंसर आ रहा है, 9x³ y² 4, ठीक है ना। इट्स मीन कि आपने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन मुझसे समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये वही है, ठीक है। जस्ट क्या हो रहा है,
ये जो आपके पास ना वाई की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 है, ये देखें साथ साथ वैसे ही चलता जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये भी एज इट इज आ रहा है, ये देख लें एज इट इज आ रहा है, ठीक है, ये देख लें एज इट इज एंड तक ये एज इट इज ही आ रहा है। ये बस आपने सोल्व कर लेना है, यानी कि आप लोगों ने ना ये प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने इसको सोल्व किया हुआ ना, इतने से को इसके जो सारे स्टेप्स हैं अभी आप परफॉर्म कर लें, तो ये वही है जो अभी आपको मैं करवा चुका हूँ, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। आप इसे सोल्व करें तो आफ्टर डैट जब आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 9 आपका एज इट इज आ गया और x की पावर 3 और ये x की पावर 1/2 है, जब आप इसको बट्टे से ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2, फिर उसके बाद ये y की पावर 4 है और ये y की पावर 1/2 है, दोनों बट्टे के ऊपर हैं तो इनको ऐड करेंगे तो 4 + 1/2 आ जाएगा, फिर पावरों को सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 9x की पावर 5/2 एंड y की पावर 9/2, एंड व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट है हमारे पास 5 इंटू एक्स वाई होल रेज टू पावर 3 एंड 2x स्क्वायर रेज टू पावर -3 होल फ्रैक्शन, यानी कि बटे के नीचे है 125 एक्स रेज टू पावर -6 एंड वाई। अब इसमें पावर को स्प्लिट कर लें, यानी कि पावर को ब्रेक कर लो, तो ये 5 की पावर 3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, वाई की पावर 3, ठीक है ना, यानी पावर ये जो आ रही थी ना ये वाली पावर, इसको मैंने ब्रेक किया। ऐसे ही ये जो पावर -3 आ रही है इसको भी ब्रेक कर लें तो ये आएगा 2 की पावर -3, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो एक्स की पावर -6 आ गया, ये 125 एज इट इज आ गया, एक्स की पावर -6 और वाई आपका ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 की पावर जो 3 है ये वाला, अगर इसको हम ओपन करें तो ये आएगा 125, ठीक है ना, क्योंकि बर्थडे के नीचे भी 125 आ रहा है तो ये कटिंग हो जानी है। उसके बाद x की पावर 3 आपके पास जो ये वाला है ये एज इट इज रहने दें, और y की पावर जो 3 है और ये आपका पास बर्थडे के नीचे भी y आ रहा है, ठीक है, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, ये y की पावर आपके पास 3 ये वाला और ये y की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये y की पावर 3 और ये y की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये देखें जरा, x की पावर -6 ये आपका एज इट इज, और बैठे के नीचे ये x की पावर -6 ये भी एज इट इज, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x की पावर -6 को हम कैंसिल कर देते हैं, 125 भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट में क्या रह जाता है, x की पावर 3 ये एज इट इज और यहाँ पर y की पावर 3 है और साथ में ये y आ रहा है जस्ट, ठीक है, यहाँ पर मुझसे ये बाई मिस्टेकन -6 ये लिखा गया, ये -6 नहीं आएगा, ठीक है, आपने ये करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पर जस्ट आना है y की पावर 3 -1। ये आप देखें नेक्स्ट मैंने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर -6 जो है ये जस्ट आपने मतलब करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पर अब मुझसे बाई मिस्टेकन राइट हो गया, तो जस्ट यहाँ पर आपने -6 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर तो y की पावर -6 कोई भी नहीं नजर आ रहा है ना, इसलिए -6 नहीं आएगा, जस्ट y की पावर आना है 3 - 1, तो ये बाकी रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा, y की पावर 3 में से -1 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर -2, यहाँ पर -4 नहीं आना, ठीक है, ये जस्ट मुझसे बाय मिस्टेकन -6 की वजह से ऐसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर -6 होता तो करते ना हम, तो यहाँ पर मजीद फिर क्या आएगा, वाई की पावर -2 और वाई की पावर -2 को बटे के नीचे ले जाओगे तो ये आ जाएगा आंसर एक्स की पावर 3 बटे के नीचे वाई स्क्वायर, एंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। और बाकी होमवर्क इसमें आज के लेक्चर में कोई भी नहीं है, बस आपका होमवर्क यही होगा कि आज के लेक्चर से रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर 13 से 21 जो मैंने आपको ये सभी सोल्व करवाए हैं आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी 1 से 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उन सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म कर लेना है, उनको अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है,
होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया। अगर फिर भी किसी स्टेम में कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टूडेंट्स को किसी बच्चे को तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दिया जाएगा। तो दो में याद रखिएगा मुझे, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।